हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सबके मस्त स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, तो अभी के बज रहे हैं कुछ ऐसे 9:30, और आप लोग देख सकते हैं मैं कहाँ हूँ। मैं एक्चुअली आई थी इधर देखने के लिए रहड़, हर हर बोलते हैं इसको ना, रहड़ हम लोग बोलते हैं सादरी में, रहड़ का खेती तरफ। इधर मैं भोपाल जाने से पहले मैं सबको लगा के गई थी। अभी तो इसके बीच में चलना भी मुश्किल हो जा रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा हुआ है, पूरा इतना नज़दीक नज़दीक भी मैं लगा दी थी, मैं और मम्मी लगाए थे दोनों जन। आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फला है, बहुत ही ज़्यादा फला है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फला है, देखिए एक में इतना फल लगा है, देखिए बहुत ज़्यादा एक में लगा है, देखिए देखिए। और ये पता है दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग का नया तालाब बना और उसका जो बांध था, और उसके बगल में हम लोग सोचे कि क्यों बांध कभी कुछ लगाने के लिए यूज़ किया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं इधर तालाब है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये तीन खेत को मिला के एक तालाब बनाया गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं वहाँ से पानी बह रहा है, हम लोग का तो बोर चल रहा है, और यहाँ तालाब है, और इधर उसके बांध में जो है उसका जो आरी है, जो बांध है, उसमें हम लोग टमाटर लगाए थे। टमाटर भी अच्छा से हुआ था, फिर लौकी वगैरह लौकी यहाँ पर सड़ भी गया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हम लोग बहुत खाए यहाँ से, आज तो मेरी बहन लौकी का भजिया बनाई थी। आप लोग देख सकते हैं लौकी, अब रहर का पेड़ में भी एकदम, अरे वाह, कुछ कुछ रहर तैयार हो गया है दोस्तों। वाह, बहुत टेस्टी लगता है इसका दाल, तो मुझे बहुत पसंद है। गिर गया। दोस्तों आप लोग देखिए इतना बड़ा तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट तैयार हो ही जा रहा है, कुछ कुछ तैयार हो चुका है। कुछ मैं ले जाती हूँ खाने के लिए, मैं खेत जा रही हूँ मक्का लगाने के लिए, तो उधर टाइम पास के लिए हो जाएगा। वाह, बहुत कुछ तैयार हो गया है, वैसे तो बहुत तैयार होने के लिए बाकी है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया कैसा था हमारा। देखिए लकड़ा यहाँ से बहुत खाए भी, लकड़ा बहुत कुछ आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग भाषा में अलग चीज़ इसको कहते हैं, मुझे नहीं पता। हम लोग लकड़ा बोलते हैं हम लोग के गांव में, मैं तो चलने भी नहीं पा रहे इसके बीच में। और यहाँ से ही मेरा भाई राटा निकाल कर चरनी बनाया था, यहीं से काट के लेके गया था। आप लोग देखे होंगे हमारे घर का चरनी, इधर इसे काटा था, लंबा लंबा घास। वाह, मजा रहा है दोस्तों मेरे को इसके बीच में रहने के लिए। आप लोग देख सकते इतना अच्छा हुआ है ना, वाह, जब ये तैयार हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा खाने के लिए। वाह, देख सकते हैं आप, मस्त लगा है ना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, बहुत कोई कमेंट, वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, मुझे बार बार प्लीज़ बोलना पड़ता है, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कुछ अच्छा कमेंट करो, मेरे को प्रोत्साहन दो वीडियो बनाने के लिए। कभी कभी मैं हताश हो जाती हूँ कि मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, मेरा वीडियो कोई देख नहीं रहा है, ऐसा लगता है। देखिए इसमें तैयार ही हो रहा है, कितना अच्छा है इसका फूल खिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं इसका। वाओ, सुपर, वाओ, अमेजिंग। आप लोग देख सकते हैं हम लोग इधर कुछ कद्दू वगैरह का भी सब्जी लगाए थे, देखिए कद्दू का कद्दू भाजी, कोई कोई हम लोग खाए यहाँ से कद्दू भाजी, बहुत ज़्यादा
कद्दू भी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, तो तालाब है और वहाँ पर कद्दू हुआ है। पता नहीं मैं आपको कैसे दिखाऊँ, वहाँ देख सकते हैं कद्दू हुआ है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं डर रही हूँ ना, मेरा मोबाइल बाय चांस गलती से गिर गया तो गया तालाब में, फिर कौन खरीद के देगा। बड़ी मुश्किल में तुम्हें मोबाइल मिला है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इधर का एरिया देखिए, आई होप आप लोगों को मेरा ये हम लोग का जो एरिया है, हमारे घर के पास किसी का घर नहीं है, एक ही घर है, आप लोग देख सकते हैं वो घर दिख रहा होगा, और हम लोग का तालाब, और इधर आम का बगीचा है, कटहल है, उधर खजूर का बगीचा, उधर और एक बांध है, वो गवर्नमेंट वाला है, पहले वहाँ हम लोग का प्राइवेट वाला हम लोग का था, लेकिन इसको अभी गवर्नमेंट बना लिया है दूसरा तालाब, फिर हम लोग यहाँ अपना तालाब, हम लोग मछली पालन कर रहे हैं। अब मछली तैयार होगा तो आइए खाने के लिए, ऑलवेज यू आर वेलकम टू माई होम टू हैव फिश। वाओ कद्दू देखिए, कद्दू 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 मेरे जैसे ही है कद्दू, लोग सब बोलते हैं कद्दू जैसे मोटी हो जा रही है। और दोस्तों लौकी देखिए, लौकी तैयार ही हो रहा है, लौकी लौकी यहाँ पर एक तैयार हो गया है और एक लौकी तैयार हो रहा है, दिख रहा है, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा अच्छे से, मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है ना, धूप आना शुरू हो गया है। इधर देखिए देखिए, आप लोग बोल रहे होंगे इतना धूप आ रहा है, फिर भी से मैं अपना सर बांध के रखी हूँ, अंदर ना बहुत ठंडा लग रहा था, और अभी भी उतना ज़्यादा मेरे को क्या बोलते हैं शरीर उतना गर्म नहीं हुआ है अभी तक ना, अभी सर्दी भी हो गया है, तो अपने आप को मैं कवर करके रखी हूँ। और आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर नज़दीक में किसी का घर नहीं है, यहाँ हम लोग का सिंगल घर है, उसके बाद इधर का हम लोग का जितना भी इधर खेत दिख रहा है ये सब हम ही लोग का है, जो एरिया है हम ही लोग का ज़मीन है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं उतना दूरी में घर है, थोड़ा दूर में है, उसके बाद ही उधर घर है, बस्ती है, हम लोग के यहाँ पर सिंगल घर है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक खेत तैयार हो गया है इधर, ये सब हम लोग आज कंप्लीट सभी खेतों में जितना तैयार है, कल हम लोग रोटावेटर लाए थे और उससे पूरा का जुताई हो गया है, और आज मेरे पापा हल चलाकर उसका मक्का लगाने का लाइन बना रहे हैं, और हम लोग मक्का लगाने वाले हैं, मक्का लगा रहे हैं, लगाएंगे अभी हम लोग, आज पता नहीं दिन भर चला जाएगा हम लोग को इसी में। आप लोग देख सकते हैं इधर खेत तैयार है, देखिए उधर पापा तैयार कर रहे हैं, देख सकते हैं इधर का एरिया। दोस्तों आइए कभी घूमने के लिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं नहीं रहती हूँ लेकिन मेरे भाई बहन मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मैं तो चली जाऊँगी थोड़े ही दिनों में वापस भोपाल, और शायद पता नहीं कब आने वाली हूँ, तो ज़रूर विजिट कीजिए हमारा गांव, बहुत ही अच्छा गांव है, आई होप आप लोग जब आएंगे तो बहुत पसंद करेंगे हमारा गांव को। देखिए सब कुछ का सुविधा है, ऐसे कुछ नहीं है कि आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा हमारे घर में आके, लेकिन इतना है कि मिट्टी का घर है, लेकिन जो गाँव का फीलिंग रहता है गाँव में ना, मिट्टी का घर ही अच्छा लगता है दोस्तों। मैं तो मुझे गांव मिट्टी का घर, शहरों में पक्का घर, लेकिन गांव में मिट्टी का घर होना चाहिए, जो लगाव रहता है ना मदर अर्थ से, वो कनेक्शन हमेशा बना रहता है, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं इसीलिए। तो दोस्तों मुझे सर्दी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये बार बार आवाज़ आ रहा है मेरे नाक से। और आप लोग देख सकते हैं उधर मेरे पापा हैं, हल हल से बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और इधर मेरी बहन और मेरी मम्मी मक्का लगाना शुरू किया, गर्मी का मक्का है, ज़रूर आइएगा खाने के लिए, गर्मी के दिन में छुट्टी मिलेगी तो, देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे दो इंसान। देखिए अभी मैं भी जा रही हूँ वही काम करने के लिए, तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल में, मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, जो नए हैं पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मुझे सपोर्ट कीजिए। ओ सॉरी, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए
मैं एंजॉय करने वाली हूँ अभी।